हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, मैं सुजीत मजुमदार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल बाबा। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे जानेंगे या सीखेंगे कि हमारा जो ये प्रिंटर है 1005 प्रिंटर या कोई सा भी प्रिंटर हो फ्रेंड्स, अगर वो पावर ऑन नहीं हो रहा है, अगर हम पावर दे रहे हैं और ऑन नहीं हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है और क्या उसका सॉल्यूशन है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। जो भी मेरे पास नॉलेज है, ज्ञान है, मैं आपसे यूं ही शेयर करता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कुछ ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो प्रिंटर है इसको एक बार पावर ऑन करते हैं। केबल मैं ये लगा दिया हूँ, ये बटन प्रेस करते हैं इसका। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये चालू नहीं हो रहा है, मतलब इसमें पावर नहीं आ रहा है, तो इसको हमको खोलना पड़ेगा और खोल के इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसका ये जो पावर कार्ड है यहाँ, इसको खोल के देखना पड़ेगा, प्रॉब्लम उसी में है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो स्क्रू आप देख पा रहे हैं, ये स्क्रू को हमको खोलना है, ये कवर खोलने के लिए। ये खुल गया फ्रेंड्स कवर इसका। ये जो पावर सप्लाई है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, इसके बाद चेक करते हैं कहाँ क्या दिक्कत है। ये फ्रेंड्स हमारा किट जो है इसका ये बाहर आ गया है। ओहो, इसका फ्रेंड्स किसी और को दिया हुआ था, पूरा काम हो गया है। देख पा रहे हैं ट्रैक जो है पूरा खत्म हो गया है। इसका जो है फ्रेंड्स ये एसटीआर आईसी है मेन, आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से फट गया है, जल गया है पूरी तरीके से। इसको एक बार हम चेंज करके देखते हैं, ट्रैक भी बनाना पड़ेगा इसका, ट्रैक खराब हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसका जो एसटीआर है आप देख पा रहे हैं, इसको जो है हम निकालते हैं। ये फ्रेंड्स इसका एसटीआर है, आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से ख़राब हो गया है, पूरी तरीके से ये जो है जल गया है। तो इसके जगह पे हमको फ्रेंड्स लगाना है ये नया एसटीआर है, देख पा रहे हैं एसटीआर Z2062। ठीक है फ्रेंड्स, इसको लगाना है। लेकिन लगाने से पहले फ्रेंड्स हमको ध्यान देना है कि यहाँ जो है और सारे जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उसको भी हमको एक बार पहले चेक करना पड़ेगा कि इधर कंपोनेंट में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई शॉर्टिंग होगा तो इसको जैसे पूरी तरीके से जल गया है, पूरी तरीके से ये फट गया है, तो अगर हम नया एसटीआर भी लगाते हैं तो ये भी पूरी तरीके से जल जाएगा, फट जाएगा, शॉर्ट कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको इसके अगल बगल का जो भी कंपोनेंट्स वगैरह लगे हैं इसको एक बार हमको चेक कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये सप्लाई यहाँ से जो इन हो रहा है, यहाँ से जो अपन केबल लगाते हैं, ये फ्यूज है, ये स्विच है, फिर ये ट्रैक आप देख पा रहे हैं यहाँ आ रहा है, और इधर से जो है ये वाला यहाँ जा रहा है। तो यहाँ से जो है ये कॉइल है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं, ठीक।
फ्रेंड्स ये कॉइल से ये जो एक ब्रिज डायोड है, ये देखिए ब्रिज डायोड, तो ये ब्रिज डायोड में आ रहा है। तो हमको ब्रिज डायोड को चेक करना है ओके है कि नहीं है। ब्रिज डायोड भी हमारा ओके फ्रेंड्स। अब यहाँ से जो आगे सप्लाई जा रहा है, यहाँ पर एक फिल्टर कैपेसिटर लगा है, ये भी ठीक है, शॉर्ट नहीं है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है एक ये जो हमारा एसटीआर है इसको लगा देते हैं। ये लग गया फ्रेंड्स। अब यहाँ जो जिसमें इसका ट्रैक जो देख पा रहे हैं कट गया है, तो इसको हमको ट्रैक को इसका बनाना पड़ेगा। ट्रैक बनाने के लिए फ्रेंड्स ये लाइन केबल है, आप देख पा रहे हैं। लाइन केबल जो है ट्रैक बनाने के लिए सबसे अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। तो फ्रेंड्स छोटा छोटा जो है ट्रैक हम बना लेंगे, जहाँ जहाँ से कटा हुआ है, जहाँ जहाँ से इसका वो है। तो फ्रेंड्स जिधर जिधर से ये ट्रैक आप देख पा रहे हैं, जैसे ये पिन का ट्रैक इसमें जा रहा है, ये पिन का जो है ये देख पा रहे हैं यहाँ से इसमें जा रहा है, ठीक है, ये ट्रैक के इधर। तो ऐसे एक बार ऐसा करके हम जिसका जिसका जिधर जा रहा है उधर इसका लगा देते हैं। ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत इजी है। तो फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि एसटीआर हमने अगर नया लगा दिया है और इधर जो पावर सप्लाई का ये जो इनपुट है ये सारा चीज़ ओके है, फिर भी अगर हमारा ये प्रिंटर डेड दिखा रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, एसटीआर भी नया लगा दिए हैं, तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, यहाँ जो आप देख पा रहे हैं ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है और यहाँ एक आउटपुट में यहाँ भी एक रेजिस्टेंस और जीनर डायोड वगैरह दिख रहा है, तो इसके वजह से भी कई बार होता है। 22 किलो ओम का रेजिस्टेंस रहता है, तो उसको चेक कर लेना है फ्रेंड्स। कई बार उसके एक आग कट जाता है, उसके वजह से भी होता है, उसको देख लेंगे। और फ्रेंड्स दूसरा जो है यहाँ जो आप देख पा रहे हैं 3 कपलर लगा हुआ है, ऑप्टो कपलर, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका भी होता है कई बार, तो आप उसको देख लीजिएगा। अगर एसटीआर चेंज करने से भी नहीं आता है तो ये सबको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसको हम पैक करके देखते हैं। प्रिंटर फ्रेंड्स रेडी हो गया है जैसा देख पा रहे हैं। एक टेस्ट प्रिंट मारता हूं मैं। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स ये हमारा रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा है उसी प्रकार से ये होगा और उसी प्रकार से ही इसको बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हाँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि और भी मेरा जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। अगली बार फिर मिलेंगे नया कुछ जानकारी के साथ, नया कुछ अल्टीमेट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।